नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही महीने बाकी हैं। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया अलायंस, लगातार अपने अपने स्तर पर काम करने की जो तैयारी है उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन यहां पर अब बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से एक बात काफी ज्यादा चर्चाओं में बना रहता है कि ये गठबंधन जो है वो अंदर ही अंदर टूट रही है। वहीं आपको बताते चले कि सीट शेयरिंग को लेकर आए दिन खबरें आती रहती है, तो इस पर जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि सीट शेयरिंग में बिहार महागठबंधन में कोई कठिनाई नहीं है। उन्होंने याद दिलाते हुए 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब 243 सीटें थी तब कोई विवाद नहीं हुआ, तो अब तो कम से कम 40 लोकसभा सीट है। पटना में मंगलवार को तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से जब जातीय गणना के सही आंकड़े नहीं होने के आरोप लगाए जाने के संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर जातीय गणना के आंकड़े पर भाजपा को भरोसा नहीं है तो प्रधानमंत्री से कहकर देश में ही जातीय जनगणना करा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर भारत सरकार के जो बैठे लोग हैं वो नहीं चाहते कि देश में जातीय आधारित गणना हो। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा नहीं बोलने पर बताया कि सीट शेयरिंग के मसले को लेकर अंदर ही अंदर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो पूर्व में लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात इस मसले पर हो चुकी है। दोनों नेताओं के ने पिछले महीने कई दफे मुलाकात की है। जानकार बताते हैं कि आरजेडी और जदयू के सीट बंटवारे को लेकर मामला फंस सकता है। जानकारों के मुताबिक विधायकों की संख्या के आधार पर लोकसभा चुनाव के सीट का मसला तय होने की बात है। उस हिसाब से लालू यादव की पार्टी के ज्यादा विधायक हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जल्दबाजी में सीटों का बंटवारा करना चाहते हैं। जानकार मानते हैं कि यदि लालू यादव की ओर से नीतीश कुमार के मन मुताबिक सीट नहीं मिलती है तो वो दूसरा रास्ता भी देख सकते हैं। सूत्रों की बताए हुए खबर से जो निकल कर बातें आ रही हैं उसमें आरजेडी और जदयू के 16-16 सीटें अपने पास रखने की प्लानिंग है, जिसमें कांग्रेस को 4 बाकी सहयोगी दल को 1-1 सीट देने की बात कही जा रही है। एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं, अपने अपने स्तर से हर पार्टी हर जोर शोर से तैयारी कर रही है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि कहीं भी सीट शेयरिंग को लेकर मन मुटाव नहीं चल रहा है, सब कुछ क्लियर है। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन जो है वो लगातार तैयार है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने जाति आधारित गणना को लेकर भी कहा है कि अगर ये आंकड़े सही नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं इस आंकड़े को सही करने के लिए जाति आधारित गणना करवा लेते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।